हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट लीनियर इक्वेशंस क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमीला सोल्ड ए टेबल एंड चेयर फॉर रुपीज़ 1050। एक टेबल और एक चेयर को इतने रुपए में सेल करती है, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द टेबल एंड 25% ऑन द चेयर। इतने रुपए में सेल करने पे उसको टेबल पे 10% एंड चेयर पे 25% का प्रॉफिट होता है। इफ सी हैड टेकन ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल एंड 10% ऑन द चेयर, ही वुड हैव गोट रुपीज इतने, तो उसको इतना प्रॉफिट होता है। तो हमें दोनों के कॉस्ट प्राइस बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल, एक टेबल का कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं एक्स, है ना। फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन कैसे बनानी है वो ध्यान से देखनी है सभी को। सबसे पहली बात यह है कि जो टेबल है वो एक्स रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है और उस पर 10% का प्रॉफिट लेना है, एक्स पे 10% का प्रॉफिट। तो ये टेबल का सेलिंग प्राइस हो गया एक तरीके से, है ना। प्लस ऐसी चेयर है वाई रुपीज़ की और उस पर प्रॉफिट लेना है 25%, तो वाई का 25%, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया इक्वल टू 1050। तो यहाँ से हम इस तरह से एक इक्वेशन बना लेंगे, तो ये आ गया एलसीएम लेने के बाद 110x/100, 125y/100 इक्वल टू 1050। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जानबूझ के हमने यहाँ पे कैंसिल नहीं किया है 100, इससे कैलकुलेशन आसान होगी, क्योंकि अगर कैंसिल करोगे तो दोनों के डेनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाती है। एंड अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, एक्स कॉस्ट प्राइस है चेयर का और 25% का प्रॉफिट हो रहा है और चेयर पे 10%, तो यहाँ पे हम इसका 25% ऐड कर देंगे। प्लस ऐसी चेयर के अंदर 10%, और अब उसको 1065 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 125x/100 प्लस 110y/100 इक्वल टू दिस। तो 125x प्लस 110y 106500, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में पहले बता चुके हैं कि अगर दो इक्वेशन में क्रॉस में टर्म इक्वल होती हैं, जैसे ये वाली टर्म आप देखोगे इस टर्म के इक्वल है और ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हम एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। क्या फ़ायदा होता है ऐड करने से देखते हैं। 235x प्लस 235y और इन दोनों को ऐड करेंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा, 0051 2 211 500, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो
इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं 235 से, तो हमेशा ऐसा होगा कि ये डिवाइड ज़रूर होगा, तो 235 से इसको काट लेते हैं। ये देख लेते हैं कितना आता है, 2115 को 235 से करेंगे, 9 से चाहे चला जाएगा, 95 जा 1 मिनट, यस 95 जा 45, 93 जा 27, ठीक है 9 से, तो ये हो गया 900। इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं थर्ड, ठीक है। अब एक बार हम फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, या टू फ्रॉम वन, कोई से भी ले सकते हो किसी में से भी। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में 110 माइनस दिस, तो कितना है माइनस 15। फिर ये करेंगे तो प्लस 15y, और फिर ये प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1500, ठीक है। तो ये भी हमारा माइनस में आएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 15 से, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 100। एक इक्वेशन ये बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे सभी, आप इसको अगर हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू 800, तो y की वैल्यू आ गई 400। और फिर पुट y इन 1, तो x इक्वल टू 500, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट ऑफ वन टेबल, एक टेबल की कॉस्ट हो गई 500, और चेयर की 400। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। चैनल पे आपको थर्ड चैप्टर की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम की वीडियो मिल जाएंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।